ये देखिए कितने क्रिस्पी और बढ़िया हमारे ये प्याज के पकोड़े बनके रेडी हो गए हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्याज के पकोड़े, जो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और हमारे घर की, मेरे हाथ की ये स्पेशल डिश है। तो यही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम पकोड़े बनाने वाले हैं, प्याज के पकोड़े। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये बिग साइज़ के तीन बिग साइज़ के प्याज लिए है, ऑनियन लिए है। इसे मैं अच्छे से छील कर धो कर लिया है मैंने, जिससे इसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। और इस तरह से हमें ये प्याज जो है रफली चॉप कर लेनी है। इस तरह से हमें पूरे प्याज अच्छे से कट कर लेने हैं। और ये देखिए पूरे प्याज मैंने कट कर लिए हैं। अब हम इसे, ये जो प्याज है, इसे दोनों हाथों से हमारे अच्छे से क्रश कर लेंगे, जिससे कि ये जो प्याज की कलियां होती है वो अच्छे से अलग अलग हो जाए। इस तरह से हमें ये अलग अलग कर लेनी है, थोड़े से क्रश करने हैं दोनों हाथों से ही प्याज को। और ये देखिए मैंने बना लिया है। और अब हम ब्लेंडर जार लेंगे, छोटा वाला जो होता है, उसमें ये मैंने दो हरी मिर्च ली है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली है। तो ये हम इसकी पेस्ट बना लेंगे रफली। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये मैं बिल्कुल देसी स्टाइल पकोड़े बनाने वाली हूँ, तो वो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये पूरा 1 से 1.5 चम्मच हमने ये लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो बन जाता है, इतना क्वांटिटी अगर हम लेते हैं। तो इस तरह से ये मैंने अब प्याज में ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और अब हम इसमें 1 स्पून भर के अजवाइन डालेंगे। कुछ इस तरह से हमें ये दोनों हाथों पे क्रश करके अजवाइन डालनी है। और उसके बाद हम इसमें हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और उसके बाद, ये मेरी एक टिप है आपके लिए, पकोड़े बनाते वक्त मैं इस तरह से पकोड़ों में कॉर्नफ्लावर डालती हूँ। कॉर्नफ्लावर से पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और ज़्यादा इनमें तेल भी सोक नहीं होता है। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है, और 6 से 7 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे चने का आटा लिया है। ये घर का बनाया हुआ चने का आटा है। तो ये हम इतना ही लेंगे जितना कि प्याज उसमें ही अच्छे से कोट हो जाए, तो उतनी ही मैंने यहाँ पे चने का आटा लिया है। और उसे अच्छे से एक सा कर लेने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और एक हम ठीक ऐसा बैटर बना लेंगे पकोड़े के लिए। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें ये बैटर बना लेना है, एक साथ पानी नहीं डालना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। और ये देखिए मैंने बैटर अच्छे से बना लिया है। अब हम ये बैटर जो है 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ढक्कन रख के इसे साइड में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम यहाँ पर ऑयल गर्म करने के लिए रखेंगे। ऑयल हमें यहाँ पर पकौड़ों के लिए भूनने के लिए, पकौड़े ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, थोड़ा ही ऑयल लेना है। और जो हम पैन इसके लिए यूज़ करेंगे वो मोटे तले वाली होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये पैन ली है और उसमें ऑयल गर्म करने के लिए डाला है। और ये मैंने घर पे ही गमले में उगाया हुआ थोड़ा सा हरा धनिया था, तो मैं इसमें कट करके डालूंगी। और एक बार फिर से मैं स्पून से ये बैटर जो है चला लूँगी, अच्छे से एक सा कर लूँगी, और उसके बाद हम हाथों से ही पकोड़े निकाल लेंगे। तो मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे ऑयल गर्म करने के लिए रखा था। अब मैंने गैस की फ्लेम जो है वो कम कर दी है, और छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे हमें यहाँ पे पकोड़े निकाल लेने हैं कुछ इस तरह से। और पूरी जो हमारी कढ़ाई है वो पूरी भर के हमें इसमें पकोड़े निकालने हैं पूरे ऑयल में। और छोटे छोटे याद रखना है यहाँ पे कि हमें बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ पे पकोड़े निकालने हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको इसी तरह से। और ये इस तरह से पकोड़े हम पूरे पकोड़े निकालने के बाद हम फिर से गैस की फ्लेम लो टू हाई फ्लेम पे कर देंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और 1 मिनट तक हम पकोड़े इसमें भूनने देंगे, अच्छे से फ्राई होने देंगे। और 1 मिनट बाद हम ये स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से पलट देंगे ये पकोड़े। और इन्हें हमें क्या करना है, पलटते ही स्पैचुला की मदद से ही कुछ इस तरह से ये स्पैचुला पकोड़ों के ऊपर
हमें दबानी है, जिससे कि हमारे पकोड़े जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। ये एक मैं दूसरी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से अगर हम स्पैचुला से पकोड़े दबाते हैं, ऑयल में भून रहे होते हैं तभी, तो पकोड़े जो है वो बहुत ही देर तक क्रिस्पी रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो यही राज है कि हम अगर इस तरह से पकोड़े भूनते वक्त स्पैचुला से उन्हें दबाते हैं तो वो ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। इस तरह से मैं ये पकोड़ों की पहली बैच जो है वो भून लूँगी। और ये देखिए अच्छे से इसका कलर आ गया है, अब पकोड़े अच्छे से भून गए हैं। मैं ये एक प्लेट में निकाल लूँगी और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं पकोड़े इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो। ये देसी स्टाइल है तो इस तरह से अगर बनाते हो तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, ज़्यादातर देर तक ये क्रिस्पी रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये देखिए मैंने यहाँ पे पकोड़े अच्छे से थाली में सर्व कर लिए हैं और साथ में केचप भी लिया है और हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ पे, बीच से उसे कट कर लिया है और ऑयल में अच्छे से भून लिया है और नमक डाल दिया है। तो इस तरह से अगर हम मिर्च के साथ पकोड़े खाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसके ऊपर से एक कप मसाला चाय बन जाए तो वाह क्या बात।